ये पर्शियन कैट आप देख रहे हैं, बच्चा जो है पर्शियन कैट का 3 से 4 महीने 5 महीने तक की बच्चे की ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आप फूडिंग कैसा रख रहे हैं। कई सारे लोग अच्छा फूड खिलाते हैं तो और अच्छी ग्रोथ होती है कैट। जब भी किटन का कोई बच्चा आप पालें तो उसका वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी होता है, साथ में डिवॉर्मिंग होना भी बहुत जरूरी होता है। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है पेट के कीड़े की दवाई देना, चूंकि डॉग्स के अंदर बहुत इजीली दे दी जाती है। कैट का मुंह छोटा होता है, कई बार देने पर पोज करती है, तो आप इसके लिए बहुत अच्छा तरीका आता है कि स्पॉट ऑन डिवॉर्मिंग होती है। इस तरह की जो होती है डिवॉर्मिंग होती है आप देखेंगे रेवोल्यूशन नाम से आती है, सेलामेक्टिन कंपाउंड होता है जो कि जाते जिनके फ्लीज बहुत हो जाते हैं, ईयर माइट्स हो जाते हैं, उनको रिमूव करने में, हार्ट वॉर्म्स में, इन सब चीज में, राउंड वॉर्म में, टेप वॉर्म में, तो एक वन सॉल्यूशन आता है कि स्पॉट ऑन की तरह से आपने लिया और आप इसको जो देख रहे हैं इसके गर्दन पे लिखे इस जगह पर आप इसको थोड़ा बाल हटा के आप इसको खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं इसकी ड्रॉप आती है, वो ड्रॉप चली जाती है इसकी पूरी, ये ड्रॉप अंदर जाके इसके बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, हार्ट वॉर्म्स भी क्लीन कर देती है, इंटेस्टाइन के अंदर जाके पास ऑन हो जाती है मेडिसिन, तो राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म भी क्लीन हो जाते हैं इनकी, तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैट्स जिसके बाल ज्यादा होते हैं कैट अपने आप को लिक बहुत करती है, तो इनके उसके अंदर हेयर बॉल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो आप एंटी हेयर बॉल फॉर्मूला जो फूड खिलाएं उसमें हेयर बॉल फॉर्मूला क्या होता है उससे हेयर बॉल्स निकलते रहते हैं, नहीं तो कई बार वोमिटिंग बहुत करता है। जिस तरह की आप एक कैट देख रहे हैं इसके अंदर ये सस्पेक्ट हो रहा है, तो इसका एक्सरे भी करके देखा तो नहीं है, बट माइल्डली क्या होता है वॉर्म हेयर्स होते हैं अंदर इंटेस्टाइन के अंदर चिपक जाते हैं तो वो बॉल्स का रूप लेते थे, तो हेयर बॉल्स रिमूव होना भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो रेगुलर वे पर कैट जो होता है वोमिटिंग वगैरह करने लगता है। इसलिए इसके अलावा साथ साथ आप क्या है मल्टीविटामिन जरूर पिलाएं इसको, अगर मल्टीविटामिन देते रहेंगे इसको अलावा डाइजेशन की भी देते रहेंगे, व्यूसिडिक मेडिसिन आती है जो कि कैट्स और डॉग्स दोनों में दी जा सकती है, आप इसको देते रहेंगे रेगुलर वे से, वेटनरी डॉक्टर और डॉग कैट एक्सपर्ट की सलाह से आप मेडिसिन दें। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कैट के अंदर डिहाइड्रेशन होने लगता है तो आप उसके अंदर उसको ओरली या रॉयल कैनन का रिकवरी लिक्विड आता है वो दे सकते हैं आप उसको, उससे उसके अंदर उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। थैंक यू।